दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं, बस कुछ ही घंटे की देरी है फिर उसके बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है। और उसके बाद आप तमाम लोग जानते हैं काउंटिंग शुरू होते ही 4-5-6 घंटों के बीच आप तमाम लोगों के सामने पूरा का पूरा समीकरण आ जाएगा कि किसकी जीत होने वाली है, कौन हार रहा है। लेकिन इस बीच आज बात करेंगे उन मुस्लिम सांसदों के बारे में, उन सांसद प्रत्याशियों के बारे में जो काफी चर्चे में है और जिनके बारे में ये चर्चाएं हो रही है कि क्या ये चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, AIMIM पार्टी की तरफ चलते हैं और वहां से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग पार्टी में चलेंगे और उन कद्दावर नेताओं के बारे में जिक्र करेंगे जो काफी चर्चे में हैं। लेकिन सबसे पहले AIMIM पार्टी तीन नेता काफी चर्चे में, असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील साहब काफी चर्चे में है और आप तमाम लोग इन तीन नाम को जानते होंगे। अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की, हैदराबाद लोकसभा सीट से 1984 से लगभग 3 दशक से ये जो सीट है वो AIMIM मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों में है और वहां से असदुद्दीन ओवैसी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विपक्ष में, उनके खिलाफ जो नेता थे वो, उनके खिलाफ जो नेता है वो है माधवी लता, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। और आपको बता दें, चौंकाने वाली बात आपको बता दें कि एग्जिट पोल जो चाणक्य है, जिसका एक्सिस चाणक्य का जो एग्जिट पोल होता है, उसने कथित तौर पर वहां पर असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव हरा दिया है और माधवी लता को चुनाव जिताने की बात की जा रही है कि माधवी लता वहां से चुनाव जीत रही है। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बता दूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से चुनाव जीत रहे हैं। जी हां, यह बात साफ साफ कही जा सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी वहां से चुनाव जीत रहे हैं और मार्जिन हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होने वाला है और इसका फैसला कल आपके सामने होगा। आइए बात करेंगे, हैदराबाद से चलते हैं सीधे महाराष्ट्र की तरफ और बात करेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सांसद, मौजूदा वक्त के सांसद इम्तियाज जलील के बारे में जो काफी चर्चे में है और उनका नाम भी इस फेहरिस्त में है कि वो इस बार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन बात करेंगे कि क्या वाकई वो चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा की अगर बात की जाए, आपको अगर याद हो, इम्तियाज जलील साहब मुश्किल से 1 महीने की भी तैयारी नहीं करते हैं और विधायक बन जाते हैं महाराष्ट्र में और फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर मेहनत करते हैं और फिर वो AIMIM से, असदुद्दीन ओवैसी से लोकसभा की टिकट लेकर के आते हैं और फिर वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन उनके उस वक्त के चुनाव जीतने के पीछे का जो समीकरण था वो बेहद जबरदस्त था और वो समीकरण पहले आपको दिखाएंगे फिर बताएंगे कि क्या कुछ इम्कान है। और इसके लिए हम आपको पिछले साल के उस रिजल्ट की तरफ ले जाना चाहेंगे जहां से आपको पता चले कि आखिरकार क्या कुछ रिजल्ट रहा था और कैसे सैयद इम्तियाज जलील जो हैं औरंगाबाद से चुनाव जीत गए थे। देखिए, ये वो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके ये आंकड़े हैं। ये तीन आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं और आप देखेंगे, देखिए किस तरह से इम्तियाज जलील साहब 3,89,042 वोट लाकर के चुनाव जीत गए थे और चंद्रकांत खेर जो है वो 3,84,550 वोट। महज अगर आप देखेंगे तो देखिए, महज मुश्किल से 4,500 से कुछ वोट, यानी कि 5,000 वोट से जो है इम्तियाज जलील चुनाव जीत जाते हैं। और इसका एक बड़ा फैक्टर है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हर्षवर्धन जाधव। जी हां, हर्षवर्धन जाधव जो है वो 2,83,000 वोट लाते हैं और यकीनन यहां का जो वोट है, जो SHS का वोट था, वो बढ़ता है और इसका फायदा इम्तियाज जलील को मिलता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार ये समीकरण काम आएगा, इस बार कौन कौन कैंडिडेट हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं। INC इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से सुभाष जम्बाद ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें 91,790 वोट आया था। अब बात करेंगे 2024 में कौन है कैंडिडेट और इस बार क्या कुछ इम्कान है। देखिए, इस बार फिर सैयद इम्तियाज जलील है मैदान में, फिर चंद्रकांत खेर है चुनाव की मैदान में और हर्षवर्धन जाधव एक बार फिर इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट हैं। तो इस बार जो वोटिंग हुई है इसमें, जब हमने सैयद इम्तियाज जलील साहब से हमारी जब मुलाकात हुई तो हमने उनसे पूछा था क्या पोजीशन है इस बार, उन्होंने कहा था कि हम जीत रहे हैं और हम बेहतरीन तरीके से जीत रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी। और दूसरी तरफ चंद्रकांत खेरे हैं, जिन्हें SUBT यानी कि उद्धव बाल ठाकरे का जो शिवसेना है उन्होंने यहां एक कैंडिडेट उतारा हुआ है। तो इस बार चूंकि इंडिया गठबंधन का भी एक तरह से सपोर्ट है इनके पास,
तो वोट तो इन्हें मिलेगा, लेकिन क्या ये टूट करके यहाँ जाएगा और इनके भी कुछ वोट यहाँ आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बार इम्तियाज जलील साहब की कुर्सी बनी रहेगी या फिर कुर्सी जो है वो बदलेगी, कुर्सी पर कोई और बैठेगा, ये देखने वाली बात है। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि यहाँ जो मुकाबला है वो सीधे सीधे इम्तियाज जलील और चंद्रकांत खेरे के बीच में है, और इस बार ये बात कही जा सकती है कि जीत बहुत मुश्किल भी है और लड़ाई जो है वो बेहद जबरदस्त भी है। तो इम्तियाज जलील साहब का चुनाव जीतना इस बार उतना आसान नहीं है जितना पिछली बार रहा था, क्योंकि इस बार इंडिया महागठबंधन का भी सपोर्ट जो है वो आप जानते हैं शिवसेना के पास है। तो ऐसे में देखना यह है कि वहां से चुनाव कौन जीत करके आता है, ये एक बड़ी बात होगी। अब बात करेंगे देखिए तीसरा चेहरा, क्योंकि ये फाइनल है कि ये चुनाव जीत रहे हैं, इनके बारे में ये बात कहा जा सकता है कि फर्स्ट और सेकंड का टक्कर है, आमने सामने की टक्कर होगी। इन्होंने ये उम्मीद जताई है, इनके कार्यकर्ताओं ने ये बात कही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अब देखना ये है, वक्त बताएगा कौन चुनाव जीत रहा है। तीसरा चेहरा बिहार की तरफ चलते हैं, और बिहार के, क्योंकि इस पार्टी में एक बड़ी अनोखी बात है, जो पार्टी का प्रेसिडेंट वही चुनाव जीत रहा है। जी हाँ, इम्तियाज जलील पिछली बार चुनाव जीते थे और इस बार बारी है किसकी, बिहार से अख्तरुल ईमान की, किशनगंज से अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार अख्तरुल ईमान चुनाव जीत रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर बात करें अख्तरुल ईमान साहब की, तो इनकी जो लड़ाई है वो है मोहम्मद जावेद साहब से, जो कि कांग्रेस से मौजूदा वक्त में बिहार के इकलौते इंडिया महागठबंधन के सांसद हैं। वहीं एक साहब हैं मुजाहिद, मास्टर मुजाहिद, जिन्हें जेडीयू ने कैंडिडेट बनाया था। आपको बता दें कि ये रेस से बाहर हैं, यानी कि मोहम्मद जो मास्टर मुजाहिद साहब हैं वो इस चुनावी जो कह सकते हैं यहाँ पर जो मामलात थे वहाँ से ये बाहर हैं। लड़ाई मोहम्मद जावेद और अख्तरुल ईमान के बीच है, पलड़ा जावेद साहब का भारी नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी नॉन मुस्लिम पॉपुलेटेड जो लोग हैं वहां पर, जिनकी नाराजगी जेडीयू से थी, भाजपा से थी, उनका वोट जो है वो सीधे सीधे मैनेज होकर के कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद जावेद की तरफ गया। और आखिर के वक्त में मोहम्मद जावेद का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो गया है, और अख्तरुल ईमान साहब की कुर्सी पर भी कहा जा सकता है कि संदेह है। ये दो कुर्सी इम्तियाज जलील साहब और ये दोनों ही सस्पेंसिव हैं, दोनों की लड़ाई है, लेकिन अभी दोनों ही दूसरे स्थान पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि कल क्या रिजल्ट आता है। हालांकि हमारी ये दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं कि ये तीनों सदन का हिस्सा बने। अब बात करेंगे, इनके अलावा भी और कई सारे मुस्लिम प्रत्याशी हैं जो काफी चर्चे में हैं, जिनका जिक्र हो रहा है, जिनकी बातें हो रही है। अगर बात करेंगे देखिए, इनके अलावा कुछ कद्दावर नेताओं की अगर बात की जाए तो वो कौन हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, और उस सवाल का जवाब आप चाह रहे होंगे। इसके लिए बात करेंगे सहारनपुर से इमरान मसूद, काफी चर्चित नाम है। आपको बता दें कि इमरान मसूद के बारे में जो खबरें सामने आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, और जो पार्टी दावा कर रहा है, जिस तरह से AIIM पार्टी दावा कर रही है कि हमारे ये तीन कैंडिडेट तो चुनाव जीते हैं, राणा रंजीत चुनाव हार रहे हैं, इनके अलावा जितने भी बिहार के प्रत्याशी थे अख्तरुल ईमान के अलावा जो सात कैंडिडेट थे, वो सातों के सात कैंडिडेट चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अगर उनमें सबसे ज्यादा वोट लाने की बात होगी तो राणा रंजीत का वोट जो है बाकी के और जो छह कैंडिडेट होंगे उनसे ज्यादा हो सकता है। सबसे ज्यादा वोट लाने के मामले में अख्तरुल ईमान साहब होंगे, हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए। लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आ रही है, खास करके जो ग्राउंड रिपोर्ट, जो बातें कांग्रेस की तरफ से आ रही है, उसमें कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे इमरान मसूद के बारे में। इमरान मसूद को लेकर के यह दावा किया जा रहा है कि वो चुनाव सहारनपुर से जीत रहे हैं। उनके अलावा एक और नाम जो काफी चर्चे में, इकरा हसन, आप तमाम लोग उस नाम को जानते होंगे। इकरा हसन काफी चर्चित नाम है, इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई की उन्होंने, और उनका भी जो नाम आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। आइए, हम आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, कुछ लिस्ट है, कुछ फेहरिस्त है, उनमें आपको हम किस तरह से कैराना से जो चुनाव लड़ रही हैं, कैराना से सुश्री इकरा हसन को जीत की श्रेणी में रखा जा रहा है। आप देखेंगे जीत की श्रेणी में रखा जा रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर से हरेंद्र सिंह मलिक है, इन लोगों को नजदीकी लड़ाई, और ये हम सीधे बात करेंगे जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और उसके बाद एक सीट जो काफी चर्चित सीट है, रामपुर
आपको बता दें रामपुर से मुहिबुल्ला साहब के चुनाव जीतने की बात सामने आ रही है। यह दावा किया जा रहा है कि मुहिबुल्ला साहब चुनाव जीत रहे हैं। मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया गया था और वहां से रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। अब देखना यह है कि यहां से कौन चुनाव जीतता है। तो ये वो कुछ नाम है और इसके अलावा भी कुछ चेहरे हैं और उन चेहरों की बात की जाए तो एक बड़ा नाम आप तमाम लोग जो है वो जानते होंगे और वो बड़ा नाम है बदरुद्दीन अजमल साहब, जो कि असम से ताल्लुक रखते हैं। असम से बदरुद्दीन अजमल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी उनके दो कैंडिडेट हैं, उन दोनों कैंडिडेट के चुनाव जीतने की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब चुनाव जीत रहे हैं ऐसी संभावनाएं जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा भी और कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं। अब देखना यह है कौन कौन चुनाव जीत करके आ रहे हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोग ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किसकी जीत हो रही है और कौन चुनाव हार रहा है।